लाया एसपी साहब। बटालियन क्यों लाए? मिस्टर दामोदर, यू आर अंडर अरेस्ट। चार्ज क्या है? हर्षद नाम के आई विटनेस के मर्डर का इल्जाम है तुम पर। Hey! Hey, हर्षद, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है एसपी साहब को क्लियरली बताओ। सर, दामू जी से सीआई साहब को शायद कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स ऑफिसर का खून दामू भाई ने किया है सर, गवाही देने के लिए सीआई साहब ने मुझे फोर्स किया था। इतना ही नहीं सर, दामू जी के डुप्लीकेट से मेरे फेक मर्डर का वीडियो भी इन्होंने बनवाया है। उसके बाद सीआई साहब की कस्टडी में मुझे किसी ने मारने की कोशिश की तो मैं वहां से किसी तरह भाग निकला सर। मिस्टर शंकर, डिपार्टमेंट ने पावर पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, अपने पर्सनल यूज करने के लिए नहीं। यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड। मिस्टर दामोदर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूं। इतने दिन तूने मेरे लोगों के साथ खेला, अब तेरी बारी है। मुझे पता था कि तेरा आदमी मुझ पर नजर रख रहा है। अब अपना इन्फ्लुएंस यूज करके तुम्हें आसानी से सस्पेंड करवा सकता हूँ। अगर बचना चाहते हो तो मेरे पावर प्रोजेक्ट्स पर लगे एलिगेशंस क्लियर कर दो। मेरी वजह से आपको सर झुकाना पड़ा सर। दामू ने मेरे बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया था और उन्हें मारने की धमकी दी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर देना सर। वो मुझसे नहीं बच पाएगा। शो आधे घंटे से कोई एक्सटेंशन नहीं है। नील, ये नील कैसे हुआ? फुल काउंट है। अरे काहे का फुल काउंट? मैंने नील कहा ना। ये गलत है सर, तुम्हारी सैलरी उनके पास है इसलिए वो चीटिंग कर रहे हैं। तू ध्यान दे कहीं कपड़ा ना जल जाए, गड़बड़ हुई तो मैडम खाल उधेड़ देंगी। रोज मुझसे क्यों ऐन करवाते हो सर, मुझे और भी दूसरे जरूरी काम होते हैं, समझिए सर। अरे चुप कर, जब देखो बहाने ढूंढता रहता है। हम लोग अपने समय में एसआई साहब के पैर दबाते थे। टाइफाइड से आपके फादर गुजर गए इसलिए आपको ये नौकरी मुफ्त में मिल गई, लेकिन हमने मेहनत की है, डिग्री लेकर आए हैं सर। तो तुम्हारी आरती उतारूं क्या? हम बुरा नहीं मानेंगे सर। वो छोड़ो जी, कल नए सीआई साहब आ रहे, वो हमारे ही जैसे हैं या बहुत सिंसियर हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी तरह रहा तो मजे करेंगे और सिंसियर रहा तो उनकी तरह चप्पल खाएगा। क्यों रे, तूने अब तक घर पर केक नहीं पहुंचाया, तेरी वजह से रात का खाना नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दक्षिणामूर्ति जी, हाउ आर यू? अभी तक तो ठीक ही था सर। आप यहाँ पर घूमने आए हैं या? अब मैं यहीं रहूँगा। मतलब कल आने वाले सीआई? हाँ वो मैं ही हूँ। 2 साल इनके अंडर काम करने से मुझे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, अब तो डायरेक्ट कैंसर ही होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था। सरप्राइज देने के लिए? शॉक देने के लिए। आप बदले नहीं सर? तुम भी कहाँ बदले हो, अभी भी वही शक्ल, वही वेट और वैसा ही एक्सप्रेशन। यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर अंदर जाने का मन कर रहा है। एंट्री टिकट कितने की है? मूर्ति जी, ये पुलिस स्टेशन कम और कल्चरल क्लब ज्यादा लग रहा है। ये कौन है सर, फिल्म का हीरो लग रहा है? हीरो नहीं है बे, हमारे नए सीआई। फ्रैंकली बताओ, शहर के हालात कैसे हैं? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू? सर यहाँ व्हाट टू डू का मतलब ड्यूटी के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट नॉट टू डू का मतलब कुछ भी कर सकते बट ड्यूटी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दामोदर नाम का आदमी है सर। यहाँ सब उसकी मर्जी से होता है सर, नहीं माना तो लाइफ खत्म। हम नाम के पुलिस है सर, डरते तो सब उसी से है। उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने के बजाय हम अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घूम रहे हैं। दामोदर भाई को छेड़ के काय को अपना नाक फोड़ रहे हो, उसके पैरों में पड़ के सुखी नहीं रह सकते क्या? ये अंदर से हाई कमांड की इतनी तरफदारी कौन कर रहा है? बिरयानी राजा अपना कॉन्स्टेबल है सर। सीआई के लिए बाहर नहीं आया? सीएम के लिए भी नहीं आएगा सर। क्यों यार? दामोदर के बाथरूम में जलने वाले बल्ब से लेकर उसकी बिजनेस डिटेल तक इसे सब नॉलेज रहती है। सलाम सीआई साहब, बिरयानी रेडी है, खाएंगे क्या? अरे हैं? कौन है यार तू? आए? वैसे ही बिखरे बाल, वही बदसूरत नाक, भैंस जैसा शरीर, गिद्ध जैसी आंखें, ऊंट जैसा पेट और हाथी जैसे कान। सबने कहा था यहाँ तू ही सबसे काम का आदमी है। क्या, काम का आदमी हूँ? हाँ भाई तू। आज तक तो कोई नहीं बोला। सच कह रहा हूँ, तू मेरी हेल्प करेगा ना? सर थैंक यू। थैंक यू।
चल अब बता यहाँ क्या चल रहा है, ये दामोदर कौन है और सब उससे इतना डरते क्यों? बिरयानी तू मेरे हुक्म का इक्का है, तू डायरेक्शन दे, एक्शन मैं लूँ। देखो शंकु, यहाँ किसी की बात नहीं मानने का। दामोदर भाई के बारे में दो चीजें बताता हूँ, छेड़ोगे तो सांप की तरह डसेंगे, हाथ मिलाओगे तो आशीर्वाद देंगे। हाथ मिलाने के लिए धंधों की जानकारी चाहिए। मैं तीन शब्द में बताता हूँ ना, लिकर बिजनेस, बेटिंग बिजनेस, डुप्लीकेट धंधा, इन तीनों के हेड अलग अलग है, सीनो, फिरंग और संपंगी। इन तीनों से अपन के बहुत पुराने रिश्ते हैं। ये मछली है और दामोदर मगरमच्छ, इनसे हाथ मिलाओगे तो आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन मैं हाथ कैसे मिलाऊंगा? मैं हूँ ना, आओ उनको एक हाथ से बिरयानी खिलाता हूँ, दूसरे हाथ से दारू पिलाता हूँ, तो मैं ही तुमको उनसे मिला सकता हूँ। सचमुच? आओ रे। ओए बिरयानी, दामोदर की बात करता हूँ तो इन लोगों में फ्रस्ट्रेशन नजर आता है और तुम में डिवोशन नजर आता है। पुलिस में क्रिमिनल के लिए डिवोशन नहीं, उसके अगेंस्ट अग्रेशन चाहिए। याद रहे ये पुलिस स्टेशन है, तुम में से किसी ने यहाँ जुआ खेला और इसे कल्चरल क्लब बनाया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। समझे सर। चुप्पे। अब तक तुम लोग दामोदर से डर कर ड्यूटी कर रहे थे, अब दामोदर को डराने वाली ड्यूटी होनी चाहिए। सबसे पतला हीरो बनूंगा, मेरी कमर 28 इंच की है। तो बेल्ट क्यों लगाते हो? स्टाइल के लिए। वाह क्या स्टाइल है। ये 3 लाख रुपए की है। ये बेल्ट 3 लाख रुपए की है? हाँ। प्रभा काउंटिंग पूरी हो गई ना? नहीं अभी तक कहाँ हुई है। तो फिर ये दुकान कौन गिरेगा? हाँ, पूरी हो गई। हेलो सिन भाई, पुलिस ने हमारे वाइन शॉप को बंद करके मुझे पकड़ लिया है। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है, रुक कुछ करता हूँ। अरे शंकु, अपनी वाइन शॉप को पुलिस ने बंद करवा दिया, उसको जल्दी रीओपन कर, कॉल कर। अरे सीक्रेट फिल्म के हीरो, जब मैंने ही उन्हें क्लोज करवाया तो मैं उन्हें ओपन कैसे करूँ? मंजे, तेरे से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए तेरे को हीरो बनाया साहब ने। तू इस शक्ल के साथ हीरो बनेगा, ये तूने सोच भी कैसे लिया? ओहो। आपको यहाँ से सीधा शमशान घाट पहुँचाने का बंदोबस्त करो। सी ग्रेड हीरो ए ग्रेड हीरो को मारेगा। तू वॉच पकड़ यार। यूं डाग रहे। ये जगह तुझे मेरे दारू की कसम छोड़ना नहीं उसको। ठीक है भाई। जब मैं हीरो बनूंगा ना तो विलन यही होगा, चल जा रहे। अरे बाप रे, ये तो स्पेशल आइटम है। सीनू, इसको उसको क्यों तू ही आना? अरे मेरे पास एक और है। अरे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? हीरो होकर बिना एक्शन किए ही बैठ गया। रोमांटिक हीरो, इसलिए नो एक्शन बाबा। एक्टर बनने के लायक ही नहीं है। कईयों ने कहा है। क्यों बे लेकर किंग, अब कैसा लग रहा है? बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास जाना चाहता हूं। आज से इलीगल काम करेगा क्या? लीगल इलीगल के आपने किसी काम का नहीं छोड़ा। दर्द हो रहा है फिर भी डायलॉग बंद नहीं हुए इसके, फिल्मी है। ठीक है, एक भी दुकान फिर से खुली तो तुझे और दामोदर भाई को पिकनिक पर लेकर जाऊंगा मैं। पिकनिक? पिकनिक मतलब फॉरेन टूर के लिए नहीं, फॉरेस्ट टूर, एनकाउंटर। ये क्या सर, इन्हें ऐसे छोड़ दिया? मेरा टारगेट ये मेढक नहीं बल्कि मगरमच्छ है। दुर्गा भाव, वो नया आया हुआ सीआई, उसने हमारे लिकर शॉप बंद करवा दिए। लिकर शॉप कैसे बंद करवा दिए? सच में भाव, मुझे और मेरे लड़कों को अंदर डालकर बहुत दोहया उसने। चुप, अभी भैया हैप्पी मूड में है, इस बात से उन्हें टेंशन हो जाएगी। तुम जाके फिरंगी से मिलो। फिरंगी? ये है फिरंगी, बचपन में बैट बॉल खेलने वाला एक छोटे शहर का मामूली लड़का, आज दामोदर के बैटिंग बिजनेस का मालिक बनकर उसी बैट बॉल के खेल से लाखों रुपया कमा रहा है। पर बेचारा थोड़ा इमोशनल है, कोई भी इसे कोई दुख भरी कहानी सुना दे और बस वहीं ये फिसल जाता है। ए सीनू, हाँ? देख मैं पुलिस का क्या हाल करता हूँ, डिपार्टमेंट को चीर कर रख दूंगा, फिर तेरे लीकर बिजनेस को कैप्चर करके तुझे अपना नौकर बनाऊंगा। ये तो गलत है ना, आज तक मैंने कौन सा सही काम किया है? ए सुन मूर्ति, कल तक तू हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता था और आज तेरी इतनी हिम्मत के हमारा बिजनेस बंद करेगा? आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा रे दक्षिणा मूर्ति। पांडू, यही है नया सीआई? अच्छा ये है? वही इमली जैसा कलर, बिल्कुल कद्दू जैसा फिगर, चाइनीज नूडल जैसे बाल, टमाटर जैसी लाल आंखें, करेले जैसी स्किन, नारियल जैसा चिन, बिल्कुल मेरे पांडू जैसा। कौन है ये पांडू? मेरा बेस्ट फ्रेंड।
मूर्ति जी, गॉड कितना ग्रेट है, मेरा खोया हुआ पांडु मुझे दोबारा मिल गया। कहीं घूम गया था क्या? ऊपर चला गया। कैसे? मैंने ही मारा था। तुमने अपने दोस्त को मारा? इस मिस्ट्री की सुनो हिस्ट्री। बचपन से ही हम दोनों पुलिस वाले बनना चाहते थे। पांचवीं क्लास से ही क्राइम सॉल्व करना शुरू कर दिया। टॉप नंबर से पास होकर हम दोनों कॉप बन गए, वो अंडर कवर और मैं मामूली इंस्पेक्टर। एक दिन मुंह कवर करके माफिया गैंग ने मुझ पर अटैक किया, मैंने सबका एनकाउंटर कर दिया। एक एक करके मैंने कवर निकाला, आखिरी वाले पे दिल काम किया। क्यों? उस कवर में मेरा अंडरकवर दोस्त पांडु कॉप था। अरे मैंने कहा अरे, पर वो उठा नहीं, मर गया था ना। फ्रेंड को मारने की गिल्ट को हटाने के लिए मैंने हॉट शॉवर लेने की कोशिश की, बॉडी बॉइल हुई, सोल कूल नहीं हुई। लेकिन आज वो गिल्ट हटाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुमने जितने भी वाइन शॉप क्लोज किए हैं इमीडिएटली ओपन करो। इतनी छोटी सी बात, कितना बड़ा दिल है आपका। चलो लंच पे बात करते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट में मार खाई है, अभी लंच पे मार खाएगा, देखते हैं। ये लिकर सीनू ऐसा क्यों दिखाता है कि ये दामोदर का राइट हैंड है? इसे तो लेफ्ट हैंड भी ना बनाए। ये पूरे साल में जितना कमाता होगा ना, उतना मैं एक ही मैच में कमा लेता हूँ। क्या कह रहे हैं, एक ही मैच से इतनी कमाई? खेल में कम है लेकिन स्कीम ज्यादा है। पंजाब की टीम जीतेगी तो प्रीति जिंटा हक करेगी या नहीं करेगी, सिक्स मारकर कोहली चीयर लीडर्स को देखेगा या नहीं देखेगा, ऑडियंस में बैठा अंबानी का बेटा चिप्स खाएगा या कोल्ड ड्रिंक पिएगा। जब इतनी चीजों पर बैटिंग होती है तो मैच से किसको फर्क पड़ता है? और हारने वाला पैसे देगा, इसकी क्या गारंटी? पहले ब्लैंक चेक लेते हैं। बिना बैलेंस के बाउंस हुआ, बॉडी से पार्ट्स उखाड़ लेते हैं। उसका सेपरेट डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट है? बैटिंग लगाने वाला डिपार्टमेंट, हाथ पैर तोड़ने वाला डिपार्टमेंट। इस काम के लिए हमारे पास 20 लोगों की टीम है। 20 लोगों की टीम? नॉनसेंस, मैं नहीं मानता। सच है शंकर? मैं नहीं मानता पांडू। 20 लोगों की टीम है, कह रहा हूँ ना, नहीं मानता। सबको इधर बुला लेंगे तो मानोगे? हाँ बुलाओ ना, देखते हैं। रुको, बुलाता हूँ। बुकी गाइज, ऑल बॉडी कम टू पुलिस स्टेशन। ग्रुप मैसेज भेजा है, 10 मिनट में सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। शंकू, ये है मेरी टीम 20। ए भाई को नमस्ते करो। नमस्ते सर। ओए, इनकी टीम के साथ 20-20 मैच शुरू कर दो। मैच कैसा? अरे बापे, मेरी हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ओए तो बचाओ, मर गया रे। अरे मत मारो रे, बिरयानी खिला कर मार रहा है। एक शंकर ही ना मना करो। ओए बापे, अरे कितना मारोगे तुम लोग। अरे मर गया, अरे बचाओ शंकर, इन्हें मना करो। हाँ बोल, अब वहाँ क्या हो गया भाई? हमारा बेटिंग बिजनेस तो खत्म हो गया।